नमस्कार, केशव कुमार शर्मा प्रधानाचार्य, भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा, आयु वर्ग सी। हमारा भारतवर्ष अति प्राचीन देश है, लेकिन हर काल में यह आधुनिक ही रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जिस समय विश्व के अनेक देशों के लोग कच्चे मांस को भूनकर खाना सीख रहे थे, उस समय भारत शिक्षा, कृषि, विज्ञान, व्यापार और चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में उन्नत था और विश्व को भी मार्गदर्शन देने की स्थिति में था। भारत के ऋषि मुनियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को हजारों वर्षों की तपस्या अनुसंधान के बाद सुदृढ़ किया है, जिसको विश्व ने भी स्वीकार किया था। इसलिए तो अपना देश जगत गुरु के पद पर विराजमान था। उस समय के तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के नाम हम इतिहास में आज भी बड़े गर्व से पढ़ते हैं। उस काल में गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल घरों से बहुत दूर वनों में स्थापित होते थे, जहां रहन सहन व आहार विहार का क्रम ऐसा निर्धारित रहता था कि जिसमें अमीर गरीब का अंतर न दिखे। ये संस्थाएं भिक्षाटन, दान, दक्षिणा आदि से चलती थी। यहाँ की व्यवस्था संबंधी अनेक कार्य भी श्रम से मिलजुल कर छात्रों को ही करने पड़ते थे, परंतु विद्वान गुरुजनों के मार्गदर्शन के बाद जब यहाँ से वापस जाने वाले छात्र जहाँ कई विधाओं के ज्ञाता होते थे, वह उनकी प्रतिभा में शालीनता, पुरुषार्थ, परायणता के चार चांद भी लगे होते थे, जिन्हें देखकर समाज भाव विभोर हो उठता था। यह उस समय का आधुनिक भारत था। वास्तव में समय परिवर्तन के साथ साथ शिक्षक व शिष्यों के भौतिक स्वरूप, क्रियाकलाप अथवा गुरुकुलों के स्वरूप में भले ही अंतर आया हो, परंतु भारत की एक विशेषता सदैव पथ प्रदर्शक रही है, वह है गुरु शिष्यों के आपसी संबंध। गुरु का शिष्यों के प्रति स्नेह भाव और शिष्यों का गुरु के प्रति समर्पण और समाज का शिक्षकों के प्रति अटूट विश्वास, इसी कारण शिक्षा के क्षेत्र में भारत सदैव ही आधुनिक रहा है, अग्रणी रहा है। जहां तक आज के वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए जब हम विचार करते हैं, तो इस इंटरनेट के युग ने विश्व के देशों की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यद्यपि शिक्षकों के समक्ष हर काल से अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती थी, परंतु आज भारत ने जब तेज गति से अंगड़ाई ली है, ज्ञान विज्ञान, व्यापार, रक्षा, अनुसंधान, आत्मनिर्भरता, अपनी सांस्कृतिक विरासत की पहचान पुनः विश्व के सामने लाना और सर्वत्र राष्ट्रीयता का भाव विकसित करने की दृष्टि से शिक्षक शिक्षिकाओं के समक्ष नए उत्तरदायित्व आने अपेक्षित हैं। सर्वप्रथम तो ऐसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण जिसके द्वारा हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकें, जो प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूर्ण विकसित हो ही साथ ही जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। साथ ही युवा पीढ़ी दीन दुखियों, अभावग्रस्त, अपने ही बंधुओं को शोषण, कुरूतियों, अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, संपन्न एवं संस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। दूसरे, देश के समक्ष आज आतंकवाद, सांप्रदायिकता, अनेक मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे देश विरोधी षड्यंत्र, टीवी पर कुछ चैनलों द्वारा सांस्कृतिक प्रदूषण युक्त कार्यक्रम जिनसे जीवन मूल्यों में गिरावट आने की संभावना है, दूषित राजनीति जैसी भयावह समस्याएं हैं, जिनके प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने का दायित्व भी आज शिक्षकों के ही कंधों पर है। आज देश में बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, बढ़ती बेरोजगारी, पर्यावरण, जल एवं ध्वनि प्रदूषण भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक है, जिसे समय रहते ही नियंत्रित करना आवश्यक है। और यह भी इस नवीन पीढ़ी के लिए शिक्षक ही मार्गदर्शन करके ठीक करा सकते हैं। शिक्षक के नवीन दायित्व का उल्लेख करते समय कोरोना का जिक्र अवश्य करना चाहूँगा। कोरोना ने आज विश्व के सामने महामारी का रूप धारण कर लिया है। पूरा विश्व घरों में कैद होकर रह गया है। विद्या के मंदिरों में भी ताले पड़े हुए हैं, जहाँ हर समय
छात्रावी गतिविधियों के स्तर थे वहां सन्नाटा है, परंतु क्या इस महामारी या आगे भविष्य में कोई और इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित किया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन हाँ, ऐसी परिस्थितियों में हमारी भूमिका नहीं होगी। आज के भारत में शिक्षक की नवीन उत्तरदायित्व वाली भूमिका आवश्यक है। अब समय आ गया है कक्षा कक्ष की, विद्यालय की चारदीवारी इन सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने का। हम सीमाओं से बाहर आएंगे, इंटरनेट का युग है। इस युग में अपने इन विद्यार्थियों को, जो आज के नौनिहाल हैं, कल के जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं, कोई राजनेता बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई व्यापारी बनेंगे, कोई राष्ट्रभक्त बनेंगे, कोई सेना में सेना नायक होंगे, इन सब विद्यार्थियों को पढ़ाने का जो समय है, इस समय वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आज सर्वत्र ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। इंटरनेट के युग में घर बैठे भी शिक्षक व विद्यार्थियों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान सरलता और सुगमता से होता रहे। भारत का विद्यार्थी भी विश्व के किसी भी देश से कम ज्ञानी न रहे, इसका उचित प्रबंध करना। इंटरनेट के सहयोग से स्वयं निपुण होकर विद्यार्थियों को निपुण बनाने की शिक्षक की नई भूमिका इस समय समय की मांग भी है। यही भूमिका शिक्षक से अपेक्षित भी है। जय भारत।